दोस्तों, मैं हरजात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के सबसे बड़े ट्विस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इंतजार रहता है किसी भी टीवी सीरियल में कि कौन सा हीरो कौन सी हीरोइन को किस वक्त जो है प्रपोज करेगा। अब मैं कौन सा हीरो कौन सी हीरोइन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, आजकल किसी भी टीवी सीरियल के अंदर एक हीरो एक हीरोइन होना है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हर जगह पर ट्राइंगल या फिर स्क्वायर ही चल रहा है, मतलब दो हीरोइन दो हीरो दो भाई बहन, ऐसी स्टोरी लाइन तो चल ही रही है। अब गुम है किसी के प्यार में भाई बहन नहीं तो एसीपी ही सही। अब यहां पर ईशान और सवी और बाजीराव के बीच इस बर्थडे में इतना सब कुछ होने वाला है कि किसने किसको कब प्रपोज किया, किसने किसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया और प्रपोज किया भी या नहीं किया, इसको लेकर कंफ्यूजन इतने बढ़ने वाले हैं कि बर्थडे का जो खुशी है ना, उसको पचाने के लिए यहाँ पर डाइजेशन की मेडिसिन जो है उसके जरूरत सभी को, ईशान को, बाजीराव को, सबको पड़ने वाली है। वेल, मैं बताऊंगा आपको सब कुछ इस प्रपोज वाली गुत्थी को हम लोग सुलझाएंगे आज ही के इस वीडियो में। तो करना कुछ भी नहीं है, वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऑल न्यू अपडेट्स के लिए। एंड आपका सवाल भी वीडियो के एंड में अगर आपके मन में कोई बच रहा है तो शेयर कर दीजिएगा आपके नाम के साथ, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। अब चलिए शुरू करते हैं बर्थडे स्पेशल के बारे में। दो वीडियो से लगातार बात कर रहे हैं तो ज्यादा उसको नहीं दोहरा, हम बात करेंगे सीधे यहां पर अपकमिंग स्टोरी लाइन के बारे में। अब देखिए, बर्थडे पार्टी के अंदर जेलेसी तो इतनी ज्यादा बढ़ चढ़कर आई है कि यहां पर ईशान तो पूरी तरीके से जेलेस है कि पार्टी दूं मैं, अरेंजमेंट करूं मैं, क्रेडिट ले जाए कोई और, प्रपोज भी कर जाए कोई और। क्योंकि यहां पर सभी ने केक काटने के बाद सबसे पहले अपने परिवार वालों को खिलाया, लेकिन उसके बाद जो पहला नंबर आया ना, वो हमारे ईशान भाई साहब का था। अब इस बात की ईशान को इतनी ज्यादा खुशी है ना कि इसके आगे वो गुस्सा भी नहीं कर पा रहा है ठीक ढंग से। अब यहां पर इसके बाद एसीपी बाजीराव भी वहां पर पहुंचने वाला है, बिकॉज सभी का बर्थडे है और यहां पर जो है वो सभी को देने वाला है एक गुलाब का फूल। और यहां पर ये फूल देते हुए ईशान इस एंगल से उनको देखने वाला है कि ईशान को लगेगा कि भैया मेरा पत्ता तो लगने से पहले ही खत्म हो गया, वो चूना लगा दिया, क्योंकि यहां पर बाजीराव ने पहले सभी को जो है प्रपोज कर दिया है और सभी ने उसका प्रपोजल फूल को एक्सेप्ट कर हाँ भी कर दिया, एक्सेप्ट भी कर लिया है। और यहां पर ईशान को पूरे तरीके से गलत फहमी का शिकार होना पड़ेगा। आप बहुत लोग यहाँ कमेंट में दामाद जी बोलते हैं ना, ईशान को बिल्कुल सही बोलते हैं, कोई गलत बात नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे दामाद जी जो है अपने ससुर जी विराट के जैसे ही हैं, पूरे से एक पल में समझदार, दूसरे पल में मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार, तीसरे पल में फिर से माफी की गुहार और उसके बाद करते रहो भैया जो करना है। और यही सीम यहां पर ईशान के साथ भी होने वाला है, ईशान कर देने वाला है गुस्सा। सभी से जिस तरीके से प्यार से बात कर रहा था उतने ही बड़े इग्नोर करने वाला है इस सीन के बाद ईशान सभी को, और सभी को लगने वाला है कि ये चीड़ क्या हुआ, आखिरकार हुआ क्या है। अब देखिए, यहां पर पार्टी पूरे धूमधाम से बवाल के बाद पूरी होने वाली है यहां पर, लेकिन इससे पहले निशिकांत ऑलरेडी बहुत हंगामा वहां कर चुका होगा, लेकिन आप सभी को पता है शांतनु मौजूद है, ईशान मौजूद है, तो यहां पर उनकी ज्यादा नहीं चलने वाली है और यहां पर पार्टी बहुत अच्छी तरीके से पूरी होगी। लेकिन एंड ऑफ द मूवमेंट यहां पर ईशान में सभी में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होते हुए नजर आएगी। अब यहां पर देखो, सारी पार्टी हुई है, यहां पर ईशान को ऑलरेडी सभी की फ्रेंड पूछती है आज के एपिसोड में कि सर, पार्टी के बाद अगर सभी ने पूछा कि इतना अरेंजमेंट किसने किया था और ये पार्टी वगैरह किसने दी थी, तो हम लोग क्या बोलेंगे। तो ईशान यहां पर जो है कोई बैकअप प्लान नहीं बनाता, ईशान कहता है कि पार्टी तो होने दो, बाद की बाद में देखेंगे किसको किसको क्या काम सौंपा जाएगा और किसने पार्टी अरेंज की बाद में देखेंगे, कोई बहाना सोचेंगे। अब यहां पर पार्टी के इस माहौल के अंदर वो बहाना तो वो लोग सोचना भूल गए, और जब सभी ने सवाल जवाब किए हैं तो सभी के सामने सच भी आ गया है कि भैया पैसे दिए थे सारे अरेंजमेंट के, वो हमारे ईशान भाई साहब ने दिए थे, पार्टी ईशान भाई साहब ने अरेंज करवाई है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ा इंपैक्ट सभी के ऊपर तब होने वाला है जब सभी को सच पता चलने वाला है कि ये जो मैस का कैंटीन का जो रेंट है वो भी ईशान ने ही दिया है। तो यहां पर सभी जो है जाने वाली ईशान के पास अपना गिलेशिक दूर करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रकम को चुकाने के लिए, और यहां पर वो ईशान को पैसे फिर से लौटाते हुए नजर आएगी।
एंड डेफिनेटली यहाँ पर ईशान पैसों को वापस रख लेगा बिकॉज उसे मालूम है कि सभी बहुत स्वाभिमानी हैं और उसके आगे जो है ये छोटी सी रकम कोई मायने नहीं रखती, उसने मेहनत से कमाए हैं और मुझे फिर से लौटा दिया है। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हल्की फुल्की बढ़ने वाली है और सभी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए नजर आएगी कि ईशान सर जैसा आपने देखा जैसा आपने समझा वो आपने बिल्कुल गलत समझा। ACP बाजीराव से सिर्फ मेरा ऑफिशियली काम से लेना देना होता है, बीच में केस के सिलसिले में उनसे मिली थी, बाकी उनसे मेरा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो आपने अपने माइंड में सेट कर लिया है। यहां से कहानी आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएगी और एनुअल फंक्शन में घुसते हुए नजर आएगी। एक तरफ एनुअल फंक्शन में दुर्वा की गैंग का गावाची गैंग से भिड़ंत होने वाली है, दोनों के बीच में मुकाबला होने वाला है, तो दूसरी ओर घर में शहनाई बजने का समय भी हो चुका है क्योंकि दुर्वा का दूल्हा सैम पाटिल पूरे तरीके से घर वालों के दिमाग में दिल में सेट हो चुका है कि परफेक्ट दूल्हा हो तो सैम पाटिल जैसा यानी कि समृद्ध जैसा। अब इसी बीच में जो गर्मा गर्म माहौल दुर्वा और सभी के बीच में बना है, अब इसी का परिणाम यह होने वाला है कि जब सभी दुर्वा को समझाने की कोशिश भी करेगी कि भाई जिस लड़के से तुम शादी करने वाली हो ना वो बंदा बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन वो नहीं मानने वाली एंड फाइनली सभी को सबूतों की तलाश में फिर से जुटना होगा। और यहां पर भी ईशान जो है उसकी हेल्प तो नहीं करेगा लेकिन उसको मौका जरूर देगा कि सभी अगर तुम सबूत ले आती हो तो मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं खुद अपनी बहन की शादी तोड़ दूंगा। ऑल ओवर दोस्तों आने वाली स्टोरी लाइन के लिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहानी किस तरीके की है एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं ईशान और सभी की क्यूट से फिर से फाइट देखने के लिए क्योंकि इतने ज्यादा नेगेटिव नहीं जाने वाली है जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं। ऑल ओवर आप लोग बर्थडे स्पेशल के लिए एक्साइटेड कितने हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थोड़ी सी स्टोरी लाइन में हम आगे बढ़ चुके हैं मैं मानता हूं, लेकिन ये सारे सीन आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे सीरियल के अंदर, ये गारंटी है। ऑल ओवर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल न्यू अपडेट्स के लिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि जैसे वीडियो आता है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।